हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने किसी भी काम में 100% अपना दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो भी काम शुरू किया है, पहले तो आपको उस काम की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो काम स्टार्ट किया है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप उस काम को करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं खुद का बोलूं तो मुझे ये पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ती हूं तो मेरा क्या होगा, और अगर मैं पढ़ती हूं तो मेरा क्या होगा। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि हम किसी काम को बड़े जोश के साथ स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन हम उसी जोश के साथ उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हम एक महीना किया, 5-6 दिन किया, उसके बाद से वो काम कहीं ना कहीं उतनी इम्पोर्टेंस हम उसको नहीं दे पाते हैं जितनी कि उसको देनी चाहिए। कि हमने जब वो काम स्टार्ट किया है तो क्यों किया है, तो अपने काम की आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट या फिर आसपास की चीज़ों से, बातों से इतना डाइवर्ट हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमने अपने लिए भी कोई काम सोचा था जिसको हमें करना है, और हम कब फालतू की चीज़ों में घंटों निकाल देते हैं हमें खुद को नहीं पता होता। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो आपने कोई भी काम जो अपने लिए सोचा है करने का, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक डाउन नहीं होने देना है। क्योंकि अगर आपने वो काम 4-5 दिन के लिए नहीं किया तो आपका उस काम में फिर मन नहीं लगेगा, और दोबारा से आप इधर उधर डाइवर्ट होते रहेंगे। तो जो भी काम आपने सोचा है उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। क्योंकि कोई भी काम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो उसमें आप मास्टर हो जाते हैं, आपको वो काम करने की एक तरीके से आदत हो जाती है। फिर आपको खुद को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे वो काम भी करना है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दिन कोई काम ज़्यादा हो जाता है तो किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता है तो कम हो जाता है, लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करना ज़रूर है, तभी वो काम आपके लिए प्रोडक्टिव हो पाएगा। नहीं तो टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि पढ़ाई है, अगर किसी दिन कम हो पाती है तो कोई बात नहीं, अगले दिन ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन कंटिन्यू करते रहना है, नहीं तो हम काफ़ी पीछे हो जाते हैं दूसरों से। अगली चीज़ है कॉम्प्रोमाइज़। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि दूसरों के लिए अपनी खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद का और खुद के काम का भी ध्यान रखना है। आपको हमेशा अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप हमेशा दूसरों के लिए खुद की खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती रहेंगी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करती ही रह जाएंगी, और दूसरों को इसकी आदत हो जाएगी, और फिर आपको ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि खुद के काम को भी इम्पोर्टेंस देनी है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।